दोस्तों, इंडिया में भी अब बहुत सारी कंपनीज टेक्नोलॉजी को ध्यान रखते हुए अपनी चीज़ें बना रही है, और उसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग बात करने वाले हैं एक कंपनी के बारे में जो कि है जोमेटो। जोमेटो आखिर किसको नहीं पता, जोमेटो सबको ही पता है। और अगर जिन लोगों को जोमेटो के बारे में नहीं पता है उन लोगों में ये बता दूँ, जो जोमेटो है वो है एक फूड डिलीवरी कंपनी जो कि चालू हुई थी 2009 में। और ये जो कंपनी है आज जाके इतनी सक्सेसफुल कैसे बनी है इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यार वीडियो को स्टार्ट करते हुए कुछ लोग सोचेंगे जो जोमेटो है उसका नसीब होगा इसलिए वो इतना चल गया, ऐसा नहीं है यार। ये इंटरनेट है मेरे भाई, यहाँ पर हर दिन लाखों कंपनियाँ आती है, लाखों कंपनियाँ जाती है, लेकिन चलती खाली एक ही कंपनी है। जो कंपनियाँ जो चलती हैं उनका जो रेशियो है वो है 1:50। यहाँ पर ग्रो करना काफ़ी मुश्किल है। ये जो वीडियो है ये ऑफकोर्स एक बात है आप यूट्यूब पर देख रहे होंगे, और जो यूट्यूब है वो आपके स्मार्टफोन में है या फिर आपके लैपटॉप में है, और ये जो चीज़ें हैं ये पॉसिबल हो गई ऊपर ये खाली टेक्नोलॉजी की मदद से। और जो टेक्नोलॉजी है इसी बात को ध्यान में रखते हुए काफ़ी सारी कंपनीज अभी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रही है, अपना एप्लीकेशन बना रही है, अपनी वेबसाइट बना रही है। इसी तरह ही जोमेटो ने भी अपना इन्वेस्ट करा था और वो इतना आगे तक ग्रो करा है। कुछ सालों में जो एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स आई हैं वो है फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ओयो रूम्स और ओला कैब्स, और ये हैं एकदम टॉप नंबर पे हैं। तो यार इनको देख के आप समझ सकते हैं जो टेक्नोलॉजी वो कितना ग्रो करी है, और जब से जो टेक्नोलॉजी के प्राइजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हुए हैं उसके बाद तो जो टेक्नोलॉजी ग्रो करी है वो हम सब लोग जानते हैं। तो गाइस, अगर हम लोग बात करें जोमेटो के स्टार्टअप की, तो जो जोमेटो था वो स्टार्ट हुआ था 2009 में, और जो जोमेटो था वो एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस पर आधारित था। और उसके साथ भी बहुत सारी कंपनीज इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मार्केट में आई थी, लेकिन चला खाली जोमेटो ही। और आज के टाइम में भी मेरे हिसाब से जोमेटो और स्विगी से आगे कोई भी नहीं होगा, और मेरे लिए जोमेटो और स्विगी ही बेस्ट है। तो गाइस, जो जोमेटो का स्टार्टिंग था वो हुआ था IIT के दिल्ली के दो IITians से, जो कि हैं दीपक गोयल और पंकज चटा। दोनों ने साथ में अपना IIT क्रॉस करा था, और उसके बाद वो लोग एक मार्केट मैनेजमेंट कंपनी में काम करते थे जिसका नाम था बेलन कंपनी। और इसी कंपनी में काम करते हुए उन्होंने नोटिस करा कि कुछ लोगों को बाहर से खाना खाना हो रहा था, और वो लोग बाहर जाते थे खाना खाने, और उनका जो टाइम था वो आधा टाइम मेनू कार्ड देखने में भी वेस्ट हो जाता था, क्योंकि जो मेनू कार्ड था वो इतना लंबा था, उसमें जो ऑर्डर करना है, प्राइसेस कुछ लोग देखते थे। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक वेबसाइट बनाई जिसका नाम था फूडीबे। फूडीबे एक ऐसी वेबसाइट जिसमें हमें सारे रेस्टोरेंट के मेनू कार्ड्स मिल जाते थे, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम सेव होता था। पहले तो इस साइट पर काफ़ी ज़्यादा कम लोगों का सर्च होता था, लेकिन जैसे जैसे सर्च बढ़ने लगा वैसे ही बहुत सारे लोग इस पे आने लगे, और इसको ही उन्होंने अपग्रेड करने का सोचा। गाइस, जो कंपनी शुरुआत थी वो हुई थी दिल्ली से, उसके बाद वो ग्रो करते करते मुंबई और कोलकाता में भी स्प्रेड हो गई, और ऐसे करते करते कुछ सालों तक तो कंपनी ने कुछ भी प्रॉफिट नहीं कमाया, इसलिए जो दोनों ओनर्स थे उनको अपने पैसे ही देने पड़ते थे। उसके बाद फिर जो ग्रोथ हुआ वो तो आप पूछे ही मत। गाइस, जैसे जैसे जो कंपनी है वो काफ़ी ग्रो होने लगी, वैसे ही पंकज और दीपेंद्र ने सोचा कि जो कंपनी का नाम है वो हमें चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि जो कंपनी का नाम था वो था फूडीबे, जो कि राइमिंग था ईबे से, कि जो ईबे थी वो एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी एक शॉपिंग वेबसाइट थी और उसके बारे में सबको पता था, इसलिए उन्होंने नाम को चेंज कर दिया जोमेटो। जोमेटो जो था उसके पीछे रखने का कोई एक स्पेसिफिक रीज़न नहीं था, लेकिन जो जोमेटो था वो राइमिंग था टोमेटो का, इसलिए उन्होंने जोमेटो नाम रख दिया। गाइस, जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती गई उसने अपनी फैसिलिटी दिल्ली NCR, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, पुणे, कोलकाता और अभी तो 24 और देशों में चालू कर दी थी। उसके बाद ही Naukri.com के ओनर उन्होंने भी इसमें 1 मिलियन फंड्स दिए थे, साथ में ही InfoEdge नाम की कंपनी ने इसमें 3.5 मिलियन फंड्स दिए थे, और धीरे धीरे कंपनी ग्रो करती गई। और उसके बाद उसका आया अपना एक मोबाइल एप्लीकेशन जिसमें उन्होंने डिलीवरी भी स्टार्ट कर दी थी, और डिलीवरी स्टार्ट करने के बाद तो मत ही पूछो उनका जो ग्रोथ था वो इतना आगे बढ़ गया कि उनको कभी पीछे मुड़ के देखना ही नहीं पड़ा, और इतना अच्छा ग्रो कर गया कि आज जोमेटो आपके सामने है और इतनी बड़ी कंपनी में हमारे सामने वो खड़ा हुआ है। तो गाइस, यार आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यार वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय।